नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की बिहार सरकार की तरफ से बिहार बाढ़ राहत राशि 6,000 रुपए को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि जो है बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खाते में 6,000 रुपए की राशि जो है आना शुरू हो गया है। इस वीडियो में मैं आप लोग की लाइव प्रूफ में इस वीडियो में आप लोग की मैं दिखाने वाला हूँ अब कितने बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खाते में पैसा आया है। जैसे मैं आप लोगों की कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार में जो है 15 डिस्ट्रिक्ट में जो है 17 लाख बाढ़ से प्रभावित परिवार जो है हो चुके हैं। अभी फिलहाल की बात करें तो 15 डिस्ट्रिक्ट में जो है 17 लाख से बढ़कर 27 लाख जो है बाढ़ से प्रभावित परिवार जो है अभी फिलहाल में हो चुके हैं। तो यहां पर बिहार में बाढ़ से प्रभावित 27 लाख परिवारों के खाते में 6,000 रुपए की राशि जो है दी जाएगी, जिसमें से जो यहाँ पर कल से जो है सभी बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खाते में 6,000 रुपए की राशि जो यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो मैं सारा जानकारी जो इस वीडियो में आप लोग की स्टेप बाय स्टेप जो है मैं बताने वाला हूँ, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक प्रखंड ग्राम पंचायत जो है इसमें शामिल है, स्टेप बाय स्टेप जो है जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे सरकार तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके एवं सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैसे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मदद 2,11,000 से अधिक बाढ़ से प्रभावित परिवारों को मिली यहाँ पर 6,000 रुपये की यहाँ पर राशि। आने की यहाँ पर बात करें तो बाढ़ से 26.94 लाख आने की यहाँ पर 27 लाख लोग जो है बाढ़ से प्रभावित तो हो चुके हैं अभी फिलहाल में। 5 दिन पहले की बात की जाए तो 5 दिन पहले जो यहाँ पर आप लोग को मैं बताया कि 15 डिस्ट्रिक्ट में जो है 17 लाख जो है बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन 5-6 दिन के अंदर जो है ये संख्या बढ़कर यहाँ पर कितना यहाँ पर 27 लाख जो यहाँ पर ये संख्या हो गई है। अब जैसे मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते कि राज्य में सोमवार देर शाम तक कुल 15 जिलों के 93 प्रखंडों में कुल 618 पंचायत के 26.94 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है कल है शाम तक, यानी कि कल की बात करें तो कल है तक। वही अब तक 2,11,009 बाढ़ प्रभावित परिजनों को अनुग्रहित राहत की राशि के तहत प्रति परिवार को 6,000 रुपये दिए गए हैं, यानी कि कल के डेट में यहाँ पर 6,000 रुपये जो है 2,11,009 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में जो है कल के डेट में भेज दी गई है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है रोज का पर डे जो यहाँ पर भेजी जा रही है, अब जो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खाते में पैसा आना। साफ साफ यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुल 126,61,00,000 की राशि जो है भुगतान की गई, यानी कि कल के डेट में यहाँ पर 2,11,009 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में जो पैसा भेजी गई यहाँ 126,61,00,000 की राशि जो है भुगतान की गई। शेष लाभुक परिजनों को GR की राशि भुगतान हो रही है, इन सभी को सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि गंगा एवं अन्य नदियों के जल स्तर पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के माध्यम से नजर रखी जा रही है, वही बाढ़ से हुई फसल क्षति का आकलन भी कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद किसानों को भी कृषि इनपुट की राशि का भुगतान किया जाएगा, प्लस में दोनों काम जो यहां पर किया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खाते में यहां पर 6,000 रुपए की राशि जो यहां पर भेजी जा रही है, साथ में यहां पर बाढ़ से या आयास या तूफान से हुई फसल क्षति के नुकसान की यहाँ पर जो है आकलन भी कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद जो है किसानों के कृषि इनपुट की राशि जो है सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। 37 जगहों पर आपदा राहत केंद्र पटना जिले में बाढ़ से प्रभावित होने वाले पंचायतों की संख्या की बात करें तो 47 हो चुकी है। पूर्व के दिनों में प्रभावित होने वाले पंचायतों की संख्या 43 थी, लेकिन जबकि बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,10,000 हो चुकी है। इसके साथ जिले में 37 जगहों पर आपदा राहत केंद्र भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। राहत केंद्र में लोगों को 2 समय का खाना भी दिया जा रहा है, इसके साथ ही लोगों को इलाज के लिए इंतजाम भी किए गए हैं।
अभी तक इन राहत केंद्रों पर 1,80,000 लोगों को भोजन कराया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटे गए 126 करोड़ रुपए जो है कल के डेट में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खाते में यहाँ पर पैसे भेजे गए। राज्य में बाढ़ पीड़ितों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है। सोमवार को बाढ़ प्रभावितों की संख्या लगभग 27 लाख तक पहुँच गई है। इस बीच पीड़ितों में अनुग्रह अनुदान बंटना भी सरकार ने यहाँ पर शुरू कर दिया है। सोमवार तक 2,11,000 पीड़ितों के बीच लगभग 126 करोड़ से ज्यादा रुपए पीड़ित परिवारों को दिए जा चुके हैं। सरकार हर परिवार को 6,000 रुपए इस मद में देती है। बाढ़ का पानी नए क्षेत्रों में भी यहां पर फैलने के बावजूद प्रभावित जिलों की संख्या तो नहीं बढ़ी है, लेकिन पंचायतें रोज बढ़ रही है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो बाढ़ का पानी नए क्षेत्र में जो है फैलने के बावजूद यहाँ पर जिलों की संख्या यहाँ पर नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो यहाँ पर ग्राम पंचायतों की संख्या जो है रोज यहाँ पर बढ़ रही है। पर डे जो यहाँ पर ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ रही है। आज तक 15 जिलों के 618 पंचायतें बाढ़ से जो यहाँ पर घिर गई है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या की भी बात की जाए तो यहाँ पर 12 हो गई है, बढ़कर यहाँ पर 12 हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इन जिलों में राहत एवं बचाव का कार्य भी तेज कर दिया है। साथ ही सभी प्रमुख नदियों के जल स्तर पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों के साथ लगातार निगरानी भी हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार प्रभावित इलाकों में अवगमन जारी रखने और जारी सामग्री पहुँचाने के लिए भी यहाँ पर चलाई जाने वाली नावों भी संख्या बढ़ाकर 2330 कर दिया गया है। जरूरत के अनुसार इन नावों की संख्या और बढ़ाई भी जा सकती है। 2,00,000 पोलोथीन चादरें और 69,234 सूखा राशन पैकेट बांटे भी गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में फसल के नुकसान का आकलन भी साथ में जो है कराया जा रहा है। जो मैं आप लोग को बताया हूँ, आकलन होने के बाद किसानों को क्षतिपूर्ति की जाएगी। प्रभावित क्षेत्रों में 505 समुदाय किचने का भी संचालन किया जा रहा है। उन रसोई घरों में सोमवार लगभग 4.5 लाख लोगों ने भोजन किया। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है 15 यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। तो यहाँ पर इसमें जो शामिल है पटना है, वैशाली है, भोजपुर है, लखीसराय है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, खगड़िया है, सहरसा है, भागलपुर है, सारण है, बक्सर है, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर और समस्तीपुर जिले जो है बाढ़ से प्रभावित है। इन जिलों में बचाव कार्य के लिए NDRF की 8 और SDRF की 9 टीमों को लगाया गया है। इसके अलावा 4 NDRF की और 5 SDRF की अन्य टीमों दूसरे बाढ़ प्रवण जिलों में पहले से जो यहाँ पर तैनात जो है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2,11,009 बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खाते में जो है यहाँ पर 6,000 रुपए की राशि जो है उनके खाते में भेज दी गई है। आप लोग चाहें तो अपना अकाउंट जो है चेक करवा सकते हैं। अगर आप लोग को अभी तक नहीं आया है तो यहाँ पर कल से जो है पैसा आना शुरू हो गया है आप लोगों की खाता में। अभी भी किसी भी समय जो है आ सकता है। अगर आप लोग बिहार बाढ़ से प्रभावित हो गए, अगर आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में, आप लोगों की ब्लॉक, प्रखंड, ग्राम पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुए, अगर उन क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों की कभी भी किसी भी समय जो यहाँ पर बिहार बाढ़ राहत राशि का पैसा जो है आ सकता है। आप लोग अपना अकाउंट को जो है एक बार चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में यहाँ पर आया या नहीं आया। जैसे जैसे ये राशि आएगा वैसे मैं आप लोग की मैं जानकारी देता ही रहूँगा। और शेष परिवारों के खाते में यहाँ पर भेजी जा रही है, यानी कि जो भी यहाँ पर अभी बचे हुए हैं, कल से तो यहाँ पर आना शुरू है। आज भी यहाँ पर बहुत सारे बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खाते में यहाँ पर पैसा भेजी जाएगी, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जो यहाँ पर सभी को जो है पैसा मिल जाएगा। आप लोग की यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यही जो है बिहार सरकार की तरफ से ये बिहार बाढ़ राहत राशि को लेकर ये खबर निकल कर आ रही थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।